अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजलाल सईद है। ebike.pk के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर नए न्यूज़ एडिशन के साथ हाजिर हैं। अच्छी न्यूज़ है हमारे यूज़र्स के लिए, मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी। पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तकरीबन कोई 10 रुपये से 12 रुपये कुछ पैसे की कमी का ऐलान किया, अच्छी खबर है। एक खबर यामा यूज़र्स के हवाले से है। यामा मोटरसाइकिल्स बनाने वाले यामा मोटर कंपनी ने अपने यूज़र्स के लिए, सार्फिन के लिए इंस्टॉलमेंट किस्तों पर मोटरसाइकिल मुतारफ़ कराने का ऐलान किया है। पहले उनके डीलर्स के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती थी, अब ये कंपनी ने अपने तौर पे ये स्कीम मुतारफ़ कराई है। एक ख़बर हमारे पास रोड प्रिंस मोटरसाइकिल्स की जानिब से है, जो कि एफएल इंडस्ट्रीज़ बनाती है रोड प्रिंट मोटरसाइकिल। अभी उन्होंने रिसेंटली बेला स्कूटी के नाम से एक स्कूटी मुतारिफ कराई है, जो तकरीबन कोई 100 cc की और मुख्तलिफ कलर्स में ये मार्केट में अवेलेबल है। एक और स्कूटी के हवाले से ख़बर देते हैं। ओहाद मोटर्स, जो कि मेट्रो मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी मार्केट में मुतारिफ कराई है। चलते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से। होंडा इंडोनेशिया ने होंडा 250 RR का नया मॉडल मुतारिफ करा दिया इंडोनेशिया में। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए हैं, कुछ फेयरिंग्स में चेंजेस हैं और कुछ थोड़ी बहुत इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर है। ये होंडा 250 RR की अभी तारुफी कीमत जो है वो तकरीबन कोई $4,200 की है। तो देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और विज़िट कीजिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को और वेबसाइट को ebike.pk। शुक्रिया।